क्या समाज की क्लास। सो आई कैन सी मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टुडेस टॉपिक एज वी सेड इज एक्स्ट्रा पॉइंट। सो एक्स्ट्रा पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। सो एक्स्ट्रा पॉइंट है क्या? फॉर एग्जाम्पल वेन वी टॉक अबाउट द होल बॉडी वी हैव ऑल डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पे सेमेस्टर वन के भी स्टूडेंट है, टू के भी स्टूडेंट है, थ्री के भी स्टूडेंट है एंड फोर के भी स्टूडेंट है। एडवांस स्टूडेंट्स भी हैं कुछ जिन्होंने बड़े बड़े और दूसरे कोर्सेज भी किए हैं और कुछ नॉवेल्स भी है जिन्होंने कोई कोर्स ही नहीं किया है। तो ये जो टॉपिक है ये सबके लिए है, दिस इज फॉर एवरीवन। बिकॉज अगर हमें पता हो कि बॉडी में जितनी भी मेरिडियंस हैं और उनके ऊपर जितने भी पॉइंट्स पता किए हैं हमने, उसको यूज भी कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको किसी मेरिडियन में इंक्लूड नहीं किया गया। देर आर सम पॉइंट्स ऑन द बॉडी सरप्राइजिंगली विच हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन एनी अदर मेरिडियन। हमने ज्यादातर क्या देखा है कि जितने भी पॉइंट्स है वो किसी ने किसी मेरिडियन में, कोई यिन मेरिडियन में, कोई यांग मेरिडियन में, कितने मेरिडियन है टोटल 12+2 मेरिडियन है। सो 12+2 मेरिडियन के अलावा कुछ और ऐसे पॉइंट्स रह गए जिनको हमने किसी मेरिडियन में नहीं इंक्लूड किया एंड दे हैव बीन नेम्ड एज एक्स पॉइंट्स। एक्स मीन्स एक्स्ट्रा। सो उन सारे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा पॉइंट्स। इज दिस ओके विद एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, इनको हमें समझना है किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं विदाउट गिवन द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर मेरिडियन। जैसे लंग्स की होगी तो एलयू के पॉइंट कहलाएंगे, हार्ट की होगी तो एच के पॉइंट कहलाएंगे, लेकिन इनको हम क्या बोलेंगे? ई एक्स पॉइंट, बिकॉज दीज आर एक्स्ट्रा पॉइंट्स। सो उनकी कुछ कैटेगरी की गई, ठीक है? उनकी कैटेगरी कैसे की गई? आई शो यू वन समथिंग। So a category was designed that if these extra points which have been abbreviated as EX points are present all over the body. Body में अलग अलग जगह पर है, कुछ face पर है, कुछ chest पर है, abdomen पर है, बैक पर हैं, आर्म्स पर हैं, लेग्स पर हैं, ठीक है? जो फेस पर है उनको हमने नाम दे दिया एक्स एच सॉरी एक्स हाँ एच एन, दैट मीन्स हेड एंड नेक। So these extra points which are on the face, head, neck have been given the name as XHN. उसके nomenclature में ही उसका answer है कि where are these working from. Chest and abdomen have been given the name as XCA. That means chest and abdomen. बैक का जो पॉइंट होंगे, बैक में जो पॉइंट होंगे उनको नाम दिया एक्स बी, दैट मींस बैक, बैक के एक्स्ट्रा। आर्म्स के जो पॉइंट होंगे दिस इज एक्स यूई, एक्स यूई मींस एक्स अपर एक्सट्रीमिटी। एंड लेग्स के जो पॉइंट होंगे उनको हमने नाम दिया एक्स एल ई, लोअर एक्सट्रीमिटीज। इतना ही समझना है। क्या समझना है? फेस, हेड, नेक, द पॉइंट्स व्हिच आर देयर ऑन दीज थ्री रीजन हैव बीन कॉल्ड एज एक्स एच एन। उसके बाद और नीचे आ जाओ, चेस्ट एंड एब्डोमेन, चेस्ट एंड एब्डोमेन के पॉइंट को क्या बोलती है? एक्स एच एन, ठीक है? फिर नीचे आ जाओ, लेग्स पर आ जाओ तो क्या होगा? जो लेग्स के होंगे एक्स लोअर एक्सट्रीमिटी, एक्स एल ई। जो हाथ के होंगे एक्स यू ई,
और जो बैक के होंगे एक्स बी। यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर हो गया ना। अब हमने क्या किया, देखिए उनमें बहुत सारे पॉइंट्स, काफी सारे पॉइंट्स हैं व्हिच हैव बीन गिवन द डिस्क्रिप्शन कि दीज आर द एक्स्ट्रा पॉइंट्स। उसमें से हम कुछ पॉइंट को चूज कर लेंगे बिकॉज वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम। सो जो पॉइंट हमने बहुत ज्यादा यूज किए हैं, जिनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत बार हुआ है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, दोस पॉइंट्स वी विल चूज एंड वी विल अंडरस्टैंड वेयर आर दीज लोकेटेड एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद फेस। फेस से शुरू करते हैं। सो फेस में कौन कौन से पॉइंट हम देखेंगे, फर्स्ट राइट डाउन द नंबर्स, जिन जिन नंबर्स को हम देखेंगे, उसके बाद हम उनका एप्लीकेशन देखेंगे। फेस, हेड एंड नेक, एक्स हेड एंड नेक, अंडर इट विल डू एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स सिक्स, एक्स सेवन, एक्स एट एंड एक्स नाइन। फाइव है, हमने नहीं लिया है, ज्यादा यूज नहीं होता है इसलिए, कहीं तो कुछ छोड़ना पड़ेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को लेने के लिए। सो वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन, इन पॉइंट्स को हम देखेंगे। What are their location? What is the indication? What is the effect of stimulation? And in which conditions we use those points? Correct? अब हम क्या करेंगे? Let us start with first one. So I'll share my screen with you. Can you all see the screen? Okay. So this is the first point. X one. दिख रहा है ना सबको? X one. This, where is this X one? X1 is located on the forehead. जितने लोग यहाँ पे फिजिकली सामने देख रहे हैं वो तो अपना टच करेंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी करेंगे। यू टच योर फोरहेड वेर यू पुट योर बिंदी, ठीक है, जहां बिंदी लगाते हैं ना वहां टच करना है। दिस इज X1, लोकेशन ऑन द फोरहेड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू मीडियल एंड ऑफ आईब्रो। वॉट इज द मीडियल एंड ऑफ आईब्रो? Which end of the, there are two ends of eyebrow, no? Yes. Which end is from medial end? Inside. Because this is the medial line. Yes. So the end which is towards the medial line is called medial end. What is this end called? Lateral end. So towards the medial end, the center point is the point X1. Correct? What is its indication? Clears unclear thinking. कितनी बड़ी important बात है ये। इसलिए बहुत लोगों पर हम ये पॉइंट अप्लाई करते हैं। बहुत सारे पेशेंट जब आते हैं ना तो क्लियर थिंकिंग नहीं होती है कि क्या प्रॉब्लम है, ये भी नहीं समझा पाते हैं। बहुत लोगों को देखो कि प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम यही है कि उनको ये नहीं समझ में आता है कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। सो अनक्लियर थिंकिंग को क्लियर करने का दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट, जिसको आप आज्ञा चक्र बोल दीजिए, आप नर्वस सिस्टम के हिसाब से लीजिए, आप चक्रास के हिसाब से लीजिए, आप उसको एंडोक्राइन के हिसाब से लीजिए, आप कैसे भी लीजिए, but this is a wonderful point to clear the thinking process. ठीक है, release from headache, heavy sensation of head, vertigo, it stimulates pituitary and pineal gland, indications sneezing, headache, frontal sinus headache. देखिए सबसे ज्यादा important point क्या है ना यहाँ पे, सबसे ज्यादा important point है clears unclear thinking. इसके लिए बहुत ज्यादा use करते हैं, इसके अलावा हेडेक के लिए भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये पॉइंट। सो यू कैन इधर प्रेस द पॉइंट, दोज़ हु नो पंक्चर यू कैन डू पंक्चर आल्सो ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बट इट शुड बी अ सुपरफिशियल पंक्चर। व्हेन वी आर डूइंग प्रेशर, तब कितना प्रेशर देना है, जितना आप लिफ्ट के बटन को दबाने के लिए करते हो, ठीक है। सो प्रेस
एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. आप जिस भी पेशेंट को भी अगर दबा रहे हैं ना, तो उसको आप समझा दो बाद में कि बाद में ये आपको करना है अपने आप. एवरी डे यू डू इट 2 times or 3 times इन अ डे. कितनी बार करना है? 20 से 25 बार भी कर लिया तो इट इज सफिशियंट, बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा पॉइंट. इट इज ऑलरेडी अ वेरी एक्टिव पॉइंट. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो पहला पॉइंट हमने कौन सा देखा? X1. एक्स्ट्रा पॉइंट का नंबर 1 ही दिया गया है फेस के एक पॉइंट को, विच इज गिविंग क्लैरिटी टू द थॉट्स प्रेजेंट बिटवीन द मीडियल पॉइंट, मीडियल साइड ऑफ द बोथ आईब्रोज. इट इज अ सेंटर पॉइंट बिटवीन द गैप बिटवीन ऑफ बिटवीन टू मीडियल पॉइंट्स ऑफ आईब्रो. ठीक है, सो दिस इज एक्स्ट्रा 1. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया एक्स्ट्रा 1? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा 2. एक्स्ट्रा 2 पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये कुछ कुछ वैसा ही लोकेशन होता है जिसको हमने कई बार देखा है कि एंगर रिलेटेड इश्यूज में अगर आप यहाँ प्रेशर देते हो तो इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट. सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ आउटर कैंफस एंड आउटर साइड ऑफ आईब्रो. दैट मीन्स देखो, समझ लो पहले बात को. दिस इज आईब्रो. सो आईब्रो का दिस इज लेटरल एंड, है ना. अभी हमने कौन सा एंड देखा था? मीडियल एंड देखा था. अभी हम आ गए लेटरल एंड पर. तो ये लेटरल एंड पर आ गए. और ये कौन सा एंड है आई का? दिस इज कॉल्ड इनर कैंथस. दिस इज आउटर कैंथस. सो आउटर कैंथस एक पॉइंट ले लिया और एक लेटरल एंड ऑफ द आईब्रो ले लिया. ये दोनों पॉइंट को ले लिया. अब इससे ऑलमोस्ट 1 कुन अवे चले जाओ. 1 कुन कितना होता है? 1 thumb का ब्रेथ. नॉट थम, थम का ब्रेथ, है ना. सो हमने मिड पॉइंट से दोनों साइड पीछे की तरफ आ गए और इसमें ऑलमोस्ट 1 कुन के सेंटर पर बीच में. अब देखो अपनी अपनी उंगली दोनों बोथ इंडेक्स फिंगर इफ यू प्लेस इट ऑन द टेम्पल देन यू विल फाइंड देयर इज अ ग्रूव हियर. यहाँ एक गड्ढा है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली जाएगा. आप ऊपर नीचे भी करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ इसी पर ही जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट एक्स्ट्रा 2 पॉइंट. यू सी वेयर द ग्रूव इज. I asked you to place your index finger. If you place your middle finger, your sensitivity reduces. Your index finger has the most highest sensitivity. So you, if you touch it, and don't touch it like this, touch it like this. So automatically your finger will fall into a groove. What is the effect of stimulation? Improves energy flow in the head. Very, very important. सब बात करते हैं मेमोरी बढ़ानी है, इंटेलिजेंस बढ़ाना है, विजडम बढ़ाना है. कैसे बढ़ेगा? उसको जब न्यूट्रिशन देंगे ऊपर वाले तल्ले को तब बढ़ेगा ना. ऊपर के फ्लोर में न्यूट्रिशन कैसे जाएगा? जब वहां सर्कुलेशन बढ़ेगा. सर्कुलेशन कौन बढ़ाएगा? X2. सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंट पॉइंट्स व्हिच यू कैन यूज टू इम्प्रूव मेमोरी, यू कैन यूज टू इम्प्रूव इंटेलिजेंस, यू कैन यूज टू इम्प्रूव विजडम. ओके, सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ट्रीट्स इश्यूज ऑफ फोरहेड. तो ऑब्वियसली हेड पर है कोई भी. देखो एक चीज हमेशा थंब रूल याद रखो, कोई भी पॉइंट जिस भी लोकल एरिया पर होगा वो अपने लोकल एरिया को तो ट्रीट करेगा ही. इसके अलावा वो कुछ और प्रॉब्लम्स को भी ठीक करेगा. फॉर एग्जाम्पल कोई नदी अगर जा रही है तो नदी जिस रास्ते से जा रही है वो अपने रास्ते को तो खींचेगी. हो सकता है वो कहीं से और से आने वाले न्यूट्रिशन को भी कहीं और पहुंचा रही है. उसे निकलने वाली जो और छोटी नहरें होंगी वो कहीं और भी खींचेंगी, बट वो अपने रास्ते को भी खींचेगी, लोकल एरिया को भी खींचेगी. सो ये पॉइंट यहाँ है तो इसको भी ठीक करेगा, संग में कुछ और भी ठीक कर देगा. सो अगर फोरहेड हो रहा है, टेम्पोरल हेडेक हो रहा है, फोरहेड का हेडेक हो रहा है, सो उसको भी ठीक करेगा. कौन सा पॉइंट? X2. ठीक है, GB1 के आसपास ही पढ़ाइए, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम GB. दैट इज वाई वी आर नॉट गिविंग इट द नेम GB. दिस इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर हेडेक एंड माइग्रेन. Treats eye issues, facial paralysis, trigeminal neuralgia, frontal sinus toothache. अब लिखते जाना कौन कौन से डिजीज में हमने आंख की कौन से जब भी हमने आई रिलेटेड प्रॉब्लम बताई तो कौन कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट हमने यूज किया. आई के लिए हमने अभी एक कौन सा पॉइंट यूज किया? X2. एट द एंड टेल मी वॉट आर द डिफरेंट पॉइंट वी यूज फॉर आई रिलेटेड प्रॉब्लम. ठीक है, सो एक्स्ट्रा 2 इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर आई रिलेटेड डिसऑर्डर्स. देखिए ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया भी बोला है. ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू क्रेनियल नर्व्स. हेड के नीचे से निकलने वाली नर्व्स की वन ऑफ द प्रॉब्लम इज ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, विच अफेक्ट्स 3 नर्व्स.
Okay, so this trigeminal neuralgia can also be treated through X2. So ये बड़ा सिंपल है, याद रखना, not difficult. Come to X3. X3 is also very simple to locate. देखो ये भी face पे eye के आसपास ही आ रहा है. पहला कौन सा point था? This was first point. This is second point. Keep on recalling. This is second point. Third point is just above the eyebrow. ठीक है, सो आईब्रो के टिप पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, हिल पर, द पॉइंट विच इज देयर इज X3. इंप्रूव्स द फ्लो ऑफ ब्लॉक्ड एनर्जी इन आईज एंड आईब्रो. आईज और आईब्रो में एनर्जी को बढ़ाने वाला. सो इवन दिस पॉइंट डज नॉट हैव एनी मेरिडियन नेम. दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. In any problem of the eye, if you feel there is lack of energy in the eye, lack of energy in the eyebrow, eyebrow में तो अलग से समझ में नहीं आएगी. Apart from thin eyebrow हो गई है, hair fall हो रहा है eyebrow के region से, वो अलग बात है. Otherwise eyebrow में energy की कमी हो गई, ये तो आपको नहीं समझ में आएगा. वो क्या समझ में आएगा? आंखों का समझ में आएगा. आंखों में problem हो रही, आंखों की problem, hundreds of problems can be there. So if you understand that there is some disbalance of energy in eyes, you can use X3. Okay? So X3 again, जैसे हमने X2 को हमने देखा कि आप यहाँ पे प्रेशर दे सकते हो, वैसे आप X3 को भी मेंशन कर सकते हो कि फॉर आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स यू कैन प्रेस दिस पॉइंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अरे वाह. इंडिकेशन हेडेक, साइनस, माइग्रेन. यस, इट वुड बी पेनफुल. If it is a sensitive point, it would be painful. Eye problems. So for these things, you can use X3. Come to the next point, which is X4. X4 is also a very important point, very much related to eyes only. How to locate it? देखो ध्यान से पहले देखो. This is start. Is there a network problem on our end or your end? What is the problem? Because the voice is breaking. So is it on my end or it's for everybody? For everybody. It's for me too. For everybody. Yes, yes. Everyone is getting a problem? Yes. Yes, yes. At times it just breaks. Is this voice break okay now? Yeah, now okay. Yeah. Okay, whenever there is a problem, let us know so that we can repeat the same thing again. Yes, yes, sure. Zoom. So X4 is also very important to locate. I'll repeat it again. The lower orbit, if you divide the lower orbit into four parts. So from here, if you start. So 1, 2, 3, 4, four parts. Come to the third number point. This is X4. Even this would be a very painful point, especially for those who have sinusitis. Be careful when you are giving pressure on this point because your finger should not go into the orbit. दबाते ना ऐसे आंख के अंदर उंगली नहीं जानी चाहिए. It should be on the orbit only. So be careful. So just hold your area with two fingers like this and give pressure. Take support from your thumb. See, I'm taking support from my thumb so that my finger does not slip into the orbit. We have to be very, very careful. Yes, you give pressure, I'll see, and you will find pain here. You press it downward on the orbit. Is this painful? It pains, no? So this is X4. Balances the transmission of bioenergy in the eyes. So note down this point also. So X2 को हमने note down किया, X3 को किया, and now X4.
Indication, all ailments related to eye, all the ailments. Optic nerve neuritis, atrophy, glaucoma, myopia. ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है ना, सबका नाम दे दिया. ऑप्टिक नर्व न्यूराइटिस इज नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम. ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं ना, ऑप्टिक नर्व सूखने लग गई, आंखों से दिखना कम हो गया, जिसके कोई इलाज नहीं है दूसरी पैथी में. दैट इज व्हाट इज रिटन. नाउ यू ट्राइंग. दैट इज व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग ओनली व्हिचएवर पॉइंट वी आर डिस्कसिंग एंड इट इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट यू मार्क इट सेपरेटली. Because it is not there in any protocol separately. You will not get it as a separate point on any meridian. These are extra points. You can choose it and tell your patient. But she tried this thing and she had sent her reports also. And she tried Sujok and this also. Now you guide her. You never know. No? You are saying she tried it but she did not get the result. Do you know what points were chosen for her? Who has treated her? What protocol was suggested? So if a particular treatment is given to a particular patient with the help of a particular pathy, for example, modern medicine se kisi ne ilaaj karaya nahi aaram pada, but ye kahin likha hua hai ki dusre doctor ke paas jayega to aaram nahi padega. Alag alag doctor ek hi pathy ko use kar rahe hain, aaram pad sakte hai na dusre se, because what medicine the other person is choosing you never know. So same thing with acupressure and acupuncture also. Now you know that this is a very good point. You can choose this point. Correct? You can choose this point as a protocol for the patient. This can also be used in glaucoma. So, देखिए कितना important है, कितने लोगों को ये तकलीफ होती है. तो glaucoma में, myopia में, optical nerve neuritis में, इन सब में हम इसको use कर सकते हैं. Myopia is number. Yes, yes. Plus positive, negative, both are. Myopia and hypermetropia. These are two conditions, farsightedness and nearsightedness. Come to X6. X6 is one of the most important points जो हम बहुत frequently use करते हैं patients के ऊपर. कौन सा point है? It is a point which is near to governing vessel 20, DU20. DU20 कहाँ है? अपने अपने हाथ को इस तरीके से कान के ऊपर टिप पर, ईयर के एपेक्स पर अगर रखते हो और इसे ऊपर सिर के ऊपर टच करते हैं, सो वेयर एवर योर इंडेक्स फिंगर इज टचिंग द फोर टचिंग द टिप ऑफ द हेड, अपर पार्ट ऑफ द हेड इज नथिंग बट योर DU20. एंड इफ यू प्रेस इट यू मे फाइंड द पॉइंट टू बी पेनफुल बिकॉज दिस इज द कॉर्ड थ्रू विच दिस इज द एरिया वेयर द कॉर्ड इज कनेक्टिंग यू टू द सुप्रीम. बोलते हैं ना कठपुतली है हम तो सब, जिसको ऊपर वाला नचाता है. या एग्जैक्टली. सो यहीं से तो वो धागा जुड़ा हुआ है जिससे हम नाच रहे हैं. बट दिस इज नॉट द पॉइंट, दिस इज नॉट द एक्स्ट्रा पॉइंट, दिस इज पेनफुल. नो आई मीन आई फील वेरी नाइस व्हेन आई प्रेस हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ, सो प्रेस इट इफ यू फील गुड, दैट मींस दिस पॉइंट इज फॉर यू. नाउ वेयर आर दीज पॉइंट्स? यस, इट मे बी पेनफुल. All the points on the body are like live wires. एक चीज आप समझ के रखना, खुले तार की तरह होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एनर्जी है, नदी में पानी सब जगह बह रहा है, घाट कहीं कहीं पर है, जहां घाट है वहां से आप पानी निकाल सकते हो. तो ये पॉइंट क्या है? ये लाइव वायर्स है. ठीक है, वेर आर दिस दीज पॉइंट? X6 पॉइंट. दीज पॉइंट आर 4 इन नंबर. I'm just explaining that only. आप सुनो उसको. X6 is not one point. X6 are 4 points. Where are these 4 points? These 4 points are on 4 directions of governing vessel 20. कहाँ पर? One cone away from it. So if this is your governing vessel 20, as you located it by this process, then go one cone ahead. Move one kun backward, move one kun right and one kun left. So, चार directions में हो गए. अगर governing vessel 20 देख लिया है तो उसके आगे पीछे left right एक एक कुन पर जाना है. Simple. So, this is your X6. क्या काम करेगा? The four spiritual wise men नाम दिए इसमें. चार लोग, बुद्धिमान लोग, विजडम वाले लोग, वाइस मैन, नॉट इंटेलिजेंट. तो काम क्या करेगा?
इम्प्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ हेड एंड सेंस ऑर्गन. ये पूरे हेड की फंक्शनिंग को ठीक करेगा. एंड सेंस ऑर्गन्स, व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स? आईज, नोज, ईयर, टंग, ऑल द सेंस ऑर्गन्स, स्पेशली द वंस विच आर ऑन द हेड. फेस वाले सारे सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेगा, स्टिम्युलेट करेगा. हेडेक, माइग्रेन, पार्किंसन, पैरालिसिस, सेंस ऑर्गन रिलेटेड एलिमेंट्स, डिजीनेस, एंग्जाइटी, एपिलेप्सी, कुछ भी बचा, आप समझ लो सिर, पूरे सिर को बैलेंस करने के, जिस तरीके से गवर्निंग वेसल 20 को मिलियन डॉलर पॉइंट बोला गया, वैसे ही ये 4 पॉइंट भी, 4 इक्के हैं जो सिर में प्रेजेंट हैं और सिर को बैलेंस कर. तो क्या हो गया, करना क्या है, 5 पॉइंट को बैलेंस करो. वाई ओनली 4? सो 1, 2, 3, 4, 5 चार तरफ है, बीच के फादर को क्यों भूल रहे हो? So, बीच में 1, 2, 3, 4 क्रॉस, इट्स अ क्रॉस ना. सो टोटल 5 पॉइंट हो गए ना, 4 डायरेक्शन में 4 और बीच का एक. पांचों को बैलेंस कर लिया तो पूरा हेड बैलेंस हो जाएगा. बट ये पता नहीं था कि बीच के पॉइंट के अलावा भी 4 और एक्स्ट्रा पॉइंट है. सो ये दीज आर एक्स्ट्रा पॉइंट, दीज आर नॉट मेरिडियन पॉइंट. नाउ कम टू नेक्स्ट X7. I'll give you the whole of the thing. No problem. We'll give you the PPT. No need to copy. X7. What is this X7? X7 is located on the neck, 1 kun posterior to TW17. So just behind your ear is X17. See in the picture. Locate TW17. ट्रिपल वॉर्मर 17 को पहले लोकेट करिए, कान के पीछे. ठीक है, ट्रिपल वॉर्मर 17, ट्रिपल वॉर्मर 17 को अगर लोकेट कर लिया एंड ट्रिपल एंड गॉल ब्लैडर 20 को लोकेट कर लिया, वेयर इज गॉल ब्लैडर 20? गॉल ब्लैडर 20 आप यहां आ जाओ. If you see gallbladder 20, come to the center point of the neck, move up to the hairline, then on both sides place your finger like this and hold the head with your other arm and find out where the groove is. Is there any pain here? So this is gallbladder 20. This is the location of gallbladder 20. So what did I do? Move from the center to the hairline, topmost point. Then on both side, देखिए कई तरीके से कई लोग समझाते हैं. Easiest तरीका समझोगे ना तो आप कभी भूलोगे नहीं. Center point में जाओ और उसके दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ, हाफ कुन है, 1 कुन है, 1.5 कुन है, 2 कुन है, मन में मत जाओ. आप इसकी तरफ ऊपर टिप में पहुंचकर दोनों साइड अगर अपनी उंगली रख रहे हो या फिंगर से पकड़ोगे और उसमें गड्ढे वो खोजो, देयर इज दैट ग्रूव, अपना भी पकड़ के कर सकते हो. सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट गॉल ब्लैडर 20. ये हवा का दरवाजा बोलते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि इसी से हवा जो है अंदर घुसती है, इसी से हवा बाहर निकलती है. जब इस पॉइंट को पंक्चर करते हैं तो फैन ऑफ कर देते हैं. क्यों? क्योंकि आप दरवाजा खोल देते हो उस समय पंक्चर करके. अगर पंक्चर करके खोल दिया और हवा चल रही है तो हवा अंदर घुस जाएगी. और इसी पर अगर आप प्रेशर दे रहे हो या पंक्चर कर रहे हो तो अगर इंटरनल विंड है तो वो निकल जाएगी. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आर फोकस इज नॉट गॉलब्लैडर 20, आर फोकस इज एक्स्ट्रा पॉइंट. सो एक्स्ट्रा पॉइंट कौन सा? एक्स्ट्रा पॉइंट 7 को लोकेट करना है. बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द ईयर यू हैव ट्रिपल वॉर्मर 17. ठीक है, ट्रिपल वॉर्मर ठीक 17 का पॉइंट है. ट्रिपल वॉर्मर 17 से 1 kun posterior is X7. अब इसको कैसे करना है? देखो आप इसको भूल जाओ, जो ये अभी बात बोली ना इसको भूल जाओ. X7 बताया ना, अब देखो X8 में आ जाओ, वो भी उसी लाइन में. X9 में आ जाओ, वो भी उसी लाइन में है. तो करना क्या है हम लोगों को, देखिए X7, 8, 9 जो भी पॉइंट आप लोगे, आप देखोगे नींद नहीं आना, हेड रिलेटेड प्रॉब्लम, विंड रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब होगी 7, 8, 9 से. उसको ठीक करने के लिए यूज करना है. तो इसको यूज कैसे करेंगे? विल प्लेस द थंब और द फिंगर ऑन ट्रिपल वॉर्मर 17
and we'll move our finger towards gallbladder 20. Like this. Gallbladder 20 कहाँ ये है? Triple warmer 17 कहाँ है? यहाँ है. ठीक है. अगर exact location triple warmer 17 की नहीं भी पता है तो ये तो पता है, कान के पीछे उंगली रख सकते हो. और यू कैन मूव योर हैंड हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स गॉल्बेटर 20. सो जस्ट मूव इट लाइक दिस. सो यू आर एक्चुअली प्रेसिंग ऑल द थ्री पॉइंट्स, एक्स्ट्रा 7, एक्स्ट्रा 8, एक्स्ट्रा 9. वेदर इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ वन कोन, हाफ कोन, वन एंड हाफ कोन, डजंट मैटर. जब आप दबा रहे होगे हो सकता है भूल जाओ कि इतने कोन के कौन सा पॉइंट है, बट ये तो याद रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक आप प्रेशर दे सकते हो. सो यू जस्ट हैव टू गिव प्रेशर फ्रॉम बोथ साइड्स. From triple warmer 17 towards gallbladder 20. This is what you have to remember. ठीक है, याद रहेगा कि कान के पीछे से प्रेशर देते हुए जाना है gallbladder 20 तक. जब उसको प्रेशर देंगे तो पांच पॉइंट अफेक्टेड हो जाएंगे. कौन से पांच पॉइंट अफेक्टेड होंगे? ट्रिपल वॉर्मर 17 और X7, X8, X9 और gallbladder 20. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो पांच पॉइंट हो गए ना, और पांच इस साइड पांच इस साइड, तो टोटल कितने हो गए? 10 पॉइंट. सो यू आर एक्चुअली स्टिम्युलेटिंग 10 पॉइंट्स व्हेन यू आर मसाजिंग नियर द हेयर लाइन. ये एक्चुअली सेडेशन और टॉनिफिकेशन के जो फिंगर्स बताए हुए हैं वही यूज कर रहे हैं या कोई भी फिंगर? हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि फिंगर जब यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म हो जाएगा. तो आप मुझे ये बताओ कि जब आप क्लस्टर मैग्नेट यूज करते हो तो उसमें आप टोन करते हो कि सिटेट करते हो? तो न्यूट्रल है. कैसे न्यूट्रल है? हर मैग्नेट में तो टोन और सिटेट होता ही है ना. हाँ. चाहे वो अगर आप उसको रंग करो या ना करो, उसको येलो व्हाइट कलर करो चाहे नहीं करो, उसमें मैग्नेटिज्म तो है. इफ इट हैज मैग्नेटिज्म देन डेफिनेटली इट विल हैव पोलैरिटी. लेकिन जब हम क्लस्टर मैग्नेट यूज करते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि वी आर नीदर टोनिफाइंग नॉर सिटेटिंग. दो आई नो इट हैज सिटेटिव इफेक्ट, but we take it as neutral. So when you are giving pressure through your finger or thumb, we just consider that we are just balancing the energy. We are not giving the intention of tonification or sedation. जब आप tonification और sedation को अपने finger tip से करते हो तो आपको intention भी होता है कि I am tonifying the point, I am sedating the point, है ना? So जब भी आप कोई चीज को neutralize करना है तो आप उसमें intention भी नहीं दोगे. See, you are working on energy. आप इसको मानो चाहे नहीं मानो, जब आपकी सोच वैसी होती है तो आपका काम भी वैसा ही होता है. तो आप किसी भी पॉइंट को जब आप टोनिफिकेशन की नजर से देखोगे तो उसकी एनर्जी भी टोनिफिकेशन की हो जाएगी. इट विल चेंज एंड यू जस्ट ऑब्जर्व, यू फील इट व्हेन एवर यू आर डूइंग इट. ठीक है, आप इसको करके देखना, आपको महसूस होगा कि इसका रिजल्ट भी चेंज हो जाता है आपकी सोच के समय. सो जब इस पॉइंट को प्रेशर करेंगे 7, 8, 9 को, विल टेक इट एज न्यूट्रल. कम टू, अच्छा, 7 का इंडिकेशंस क्या? इट इज वेरी फ्रीक्वेंटली इट इज यूज्ड फॉर इंसोमनिया. सेंस ऑर्गन रिलेटेड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स रिलेटेड टू आई, इसको नोट डाउन कर लो. कौन सा पॉइंट और हमने यूज किया? X7. आई के लिए अब हमने एक और नया पॉइंट यूज किया, X7. ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, कैटरैक्ट, पुअर आईसाइट एक्सेट्रा. यहां से कैटरैक्ट लिखा हुआ है, जिसके कैटरेक्ट की शुरुआत होती है ना उसके लिए भी ये पॉइंट बहुत अच्छा है. ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ईयर लाइक टिनिटस, डेफनेस एक्सेट्रा, ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ब्रेन, ट्रीट दिस पॉइंट फॉर बॉयल्स विद पस ऑन हेड. सिर में पोड़े हो गए जिसमें पस भर गई, उसके लिए भी ये पॉइंट बहुत अच्छा है. सो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है, इनसोम्निया के लिए भी ये पॉइंट बहुत अच्छा है. तो इतना तो कर ही सकते हैं, जब सिर में मालिश कर रहे हो तेल की तो इस पॉइंट पे ज्यादा मसाज कर लो. एग्जैक्टली, जब आपने ऑयल मसाज की तो अपने 7, 8, 9 को इस इंटेंशन से कि मैं तो 7, 8, 9 पर प्रेशर दे रहा हूँ या दे रही हूँ, सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू मोर. ठीक है ना, तो ये हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स की मसाज हो जाएगी. पॉइंट नंबर 8, इसी के बगल में क्या है? पॉइंट नंबर 8 है, बट इट इज बिटवीन 7 एंड ट्रिपल वॉर्मर 17. पहले 8 आते हैं, फिर 7 आते हैं, फिर 9 आते हैं. सो 8 नंबर इज स्लीप कंट्रोल पॉइंट. सो आप सोच सकते हो इस स्लीप कंट्रोल पॉइंट में इफ समवन इज स्लीपिंग अ लॉट और इफ समवन इज नॉट स्लीपिंग वेल, इन बोथ द कंडीशंस पॉइंट नंबर 8 विल वर्क. इंडिकेशन इनसोम्निया. सो आपने देखा कि हेड रिलेटेड प्रॉब्लम एंड सेंस ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम, इन बोथ द केसेस पॉइंट नंबर 7 एंड 8
are working. What about 9? 9 is again sleep control point and insomnia. All the 3 points. So in general, we can say 7, 8 and 9 are for brain and sense organ. ब्रेन की जब बात करते हैं तो स्पेशली इनसोमनिया और स्लीप कंट्रोल, ठीक है. तो इसे छोटा बच्चा अगर नहीं सो रहा है तो थोड़ा सा क्रीम या ऑयल ले लीजिए और उसके 7, 8, 9 पर हल्का हल्का मसाज कर दीजिए. स्लीप कंट्रोल है ना, बड़ों को भी कर सकते हैं एकदम एकदम. अरे सो करिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है कि बड़ों को भी करते हैं तो बोलते हैं कि बहुत आराम होता है. तो आप लोग सब लोग इसको यूज करिएगा. आज तो एक्स पॉइंट्स कुछ कुछ लोगों के लिए एकदम नए हैं, बट जिन्होंने सीखा है उनका एक्सपीरियंस अच्छा है. जो अभी नया सीख रहे हैं उसको यूज करके फीडबैक दीजिएगा. हाँ जी सुमन जी, मैंने इसको कई बार एक्सपीरियंस किया, कई पेशेंट पे किया है. जब इस पॉइंट पर मसाज करते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती है, मतलब जो आंख खोल ही नहीं पा रहे हैं और इतनी अच्छी नींद आती है कि वो बहुत बोल से पता नहीं आपने क्या दबाया था, मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना रिलैक्सेशन मेरे को कभी नहीं मिला. हाँ यस एग्जैक्टली, तो इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. X21. Now, see, we are moving on from face to back. Back की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. Chest and abdomen के points आज हम लोगों ने नहीं लिए, हम back की तरफ जा रहे हैं क्योंकि back के कुछ points हैं जो बहुत important हैं. इन points को बोलते हैं होतोजियाजी points. इनको याद रखिएगा, जीजाजी points. नहीं, जीजाजी points ही बोलिएगा इनको, जीजाजी points याद रहेंगे आपको, ठीक है. ये जीजाजी पॉइंट्स कौन से हैं? जीजाजी पॉइंट्स हैं, देखिए क्या करते हैं, कहां पर प्रेजेंट है. दीज आर प्रेजेंट 0.5 कुन लेटरल टू स्पाइन, दैट मींस स्पाइन से हाफ कुन की दूरी पर ही है. आप यहां इफ दिस इज स्पाइन, ठीक है, ये स्पाइन, दिस सेंटर पॉइंट इज स्पाइन, ये सेंटर लाइन. इस स्पाइन से अगर वन कुन मीन्स वन थम ब्रेथ इधर ऑन लेफ्ट साइड और ऑन राइट साइड इज वन कुन डिस्टेंस. बट ये वन कुन पे भी नहीं है, कितने पे है? हाफ कुन पे. दैट मीन्स इफ दिस इज द सेंटर लाइन, इफ दिस लाइन इज द सेंटर लाइन, सो आई हैव टू जस्ट मूव हाफ ऑफ माय थम ब्रेथ एंड देन स्टार्ट्स द 34 पॉइंट्स व्हिच आर कॉल्ड जीजाजी पॉइंट्स, ठीक है. ये पॉइंट्स कहां से शुरू होते हैं? इट स्टार्ट्स फ्रॉम थोरेसिक 1. सो यहाँ जो बेस है ना, हेयर लाइन का बेस, यहाँ पे तो सर्वाइकल 1 है. यहाँ से आकर यहाँ पर उठा हुआ एलिवेटेड रीजन तो तक हो गया सर्वाइकल 7. देन स्टार्ट्स विद थोरेसिक 1. फ्रॉम थोरेसिक 1 हाउ मेनी वर्टिब्रे आर देयर इन थोरेसिक? 12. सो अप टू 12th वर्टिब्रे इज थोरेसिक. आफ्टर थोरेसिक which is the next vertebrae? Lumbar. So next is lumbar. Total kitni hai lumbar mein? 5. So thoracic ki 12 and lumbar ki 5. Total how many? 17. So there are 17 points on left side and 17 points on right side. One below the other. Next to every vertebrae. Half unke distance par. So these points are jijaji points because like your back shoe points, thank you. Like your back shoe points, which are the points on the UB channel, which are stimulating all the internal organs. These points are also stimulating the internal organs. Agar upar ke part mein humne diye, to wo kya ho jayega? Chest and heart and lungs ke. Agar middle ke part mein diye, to liver, gallbladder, stomach, spleen, inko karega. लोअर पार्ट में किए तो लोअर एब्डोमेन, यूरोजेनाइटल, लंबोसैक्रल, इसको करेगा, पैर को करेगा. सो जिस पार्ट को आप करोगे, जिस पार्ट के होतोजियाजी पॉइंट्स को आपने लिया, उन वो पॉइंट्स उस एरिया को स्टिम्युलेट करेगा. कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. कैसे यूज कर सकते हैं? बेस्ट वे टू यूज दीज पॉइंट्स इज इफ यू गिविंग प्रेशर इज थ्रू स्पाइन रोलर. स्पाइन रोलर एक ले लीजिए. स्पाइन रोलर में डिफरेंस क्या है रोलर एंड स्पाइन रोलर में? स्पाइन रोलर में हैंडल होता है, नीचे व्हील्स होते हैं.
अलग अलग तरीके के, कई तरीके के स्पाइन रोलर आते हैं, कोई टू व्हील्स का आता है, कोई फोर व्हील्स का आता है, कोई एक माउस के शेप में आता है, किसी में ऐसा होता है कि जिसमें आप प्रेशर दे सकते हो. सो टेक एनी टाइप ऑफ स्पाइन रोलर, मेक द पर्सन लाई डाउन एंड जस्ट रोल इट ऑन द स्पाइन जेंटली, नॉट विद अ लॉट ऑफ प्रेशर. स्पाइन शुड नेवर बी बीन, इट शुड नेवर बी गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज इट इज वेरी सेंसिटिव. जैसे बच्चे और बूढ़े होते हैं ना, जैसे स्पाइन बड़ा सेंसिटिव एरिया है बॉडी का, उसके ऊपर आप ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हो. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रही है ये बात? तो जब हम स्पाइन के ऊपर में प्रेशर देंगे, रोलर से देंगे, तो वी आर एक्चुअली स्टिम्युलेटिंग विच पॉइंट? जीजाजी पॉइंट्स. याद रहेंगे ना ये जीजाजी पॉइंट्स? ये जीजाजी पॉइंट सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. अच्छा, ठीक है ना? तो इन पॉइंट्स को जरूर यूज करेंगे फॉर, लाइक यू हैव बीन यूजिंग बैक शू पॉइंट्स फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, सिमिलरली यू कैन यूज X21 पॉइंट्स, व्हिच इज नॉट वन पॉइंट, व्हिच इज अ ग्रुप ऑफ 34 पॉइंट्स, बिकॉज 17 पॉइंट्स बाइलेटरल, लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, सो दिस इज X21. इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, जानने जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट. कम टू X28. These points are called Baxi points. ये भी बड़े important point है. Which one? Hotochiyaji points. These points are very important for any spine related ailment. Upper, जैसे जो हमने बोला ना, thorax chest की problem है, middle abdomen की problem है, या lower urogenital की problem है. For all these problems to stimulate the spine, you can choose these points. It is as good as stimulating the spine of the body. और back show of the body, ठीक है? या पूरा nervous system, it is, you are stimulating nervous system. You are not stimulating the spine directly, you are stimulating the nerves which are related to spine. Come to X28. X28 are nothing but Baxi point. ये point भी बड़े easy और बड़े simple point है, but very very effective points. बहुत frequently हम patients के ऊपर इन points को देते हैं. कहाँ present है? It is present between all the five fingers. So, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के बीच में एक पॉइंट है, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में एक पॉइंट है, रिंग फिंगर स्मॉल फिंगर के बीच में एक पॉइंट है, तीन हो गए. उसी तरीके से आपके इंडेक्स फिंगर एंड थंब के बीच में भी एक पॉइंट है. वेयर इज इट एग्जैक्टली लोकेटेड? इट इज एट द पॉइंट वेयर योर रेड स्किन इज मीटिंग द व्हाइट. अब रेड और व्हाइट, पिंक और व्हाइट, जो भी आप समझो, आपकी यिन साइड और यांग साइड का जो बॉर्डर है इन बिटवीन द फिंगर्स, वहां पर ये पॉइंट आते हैं विच आर कॉल्ड बैक्सी पॉइंट. ठीक है, सो वेयर इज दिस पॉइंट एग्जैक्टली? इफ आई शो यू ऑन द आर्म, दिस इज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ बैक्सी पॉइंट. इट इज नॉट ऑन द बोन. आई होप यू कैन सी. I hope everyone can see the location of the points. See, can you see? Is this clear to everyone? ये दिख रहा है clearly? तो ये जो बीच के web है ना, आपको अगर thank you. अगर आपको सिंपल अगर मैं बोलूं तो दो दो फिंगर्स के बीच का जो वेब है ना, दिस इज योर बैक्सी पॉइंट. बैक्सी पॉइंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एनी फिंगर रिलेटेड एलिमेंट्स. उंगलियों की प्रॉब्लम होती है ना, उंगलियां सुन्न हो जा रही हैं, उंगलियों में दर्द है, अर्थराइटिक पेन है, गाउट वाला पेन है, हाँ, फिंगर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम पता है, बैक्सी पॉइंट आप चूज कर सकते हो. जैसे हाथ में है वैसे ही पैर में भी है. विल कम टू दैट ऑल्सो. अभी हाथों का देखिए, ये पांच पॉइंट यूज कर सकते हैं. यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? मटर का दाना लगा देंगे. हाँ, एक पतली टेप में एक मटर का दाना लगा के.
अब उनका थोड़ी ना उतारेंगे हम। सो दिस इज वैक्सी पॉइंट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट इन फिंगर्स, नंबनेस, पेन, फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स यू कैन इंक्रीज, यू कैन यूज दिस पर्टिक्यूलर पॉइंट, वैक्सी पॉइंट। Come to the next point, X29, that is your siphon. ये point बहुत अच्छे हैं खासकर बच्चों के लिए, क्यों? इसमें जो लिखा हुआ है इंडिकेशन वो तो है ही। देखिए, एक जैसे आपने इंसेक्ट बाइट के लिए K6 एक याद कर लिया होगा ना, कि इंसेक्ट बाइट के लिए K6 नहीं, पत्नी के हाफ, जैसे इंसेक्ट बाइट के लिए हम K6 को यूज करते हैं, वैसे स्नेक बाइट के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छे काम करेंगे। X29 संघ में बच्चों को अगर मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है या इनडाइजेशन होता है, देन ऑल्सो इट वर्क्स। इसको मैं आपको दिखाती हूँ, इसे प्रीवियस पॉइंट का दिखा रही हूँ, बैक्सी। बैक्सी के लिए फॉर एग्जांपल आपने प्रेशर तो दे दिया, बट कितने देर प्रेशर दोगे? ज्यादा देर प्रेशर नहीं दे पाओगे, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आप टायर्ड हो जाओगे या पेशेंट भी भूल जाएगा कि उसको दबाना है। तो एक टेप में इस तरीके से एक सिंगल सीड, ड्राई पी सीड हमने लगाया और उसे रिप्लेस इट ऑन द पॉइंट लाइक दिस। माइक्रोपोर यूज करेगा, ल्यूकोपोर चिपकती नहीं है। ये देखिए, कैन यू सी? सो दिस इज द सीड, सबको भी यहां पे भी दिखा दीजिए द ब्लू मार्क। सो दिस इज अ सीड एंड द टेप इज इनसाइड लाइक दिस, सी इट हैज बीन, इसको सामने से देखो, इट हैज बीन टर्न्ड इनसाइड so that it sticks and holds the seed in place. अलग अलग तरीके से लोग लगाते हैं, but this is the best way to apply the seed on vaccine. So इसी तरीके से सारे fingers के बीच में एक tape आगे से पीछे की तरफ जाएगी। Okay, is this clear to everyone? सबको clarity आई vaccine point की? Come to next point which we were discussing about, कि ये point जो है ये सिर्फ स्नेक बाइट के लिए अच्छे पॉइंट नहीं है, दीज पॉइंट्स आर वेरी गुड पॉइंट्स फॉर इनडाइजेशन इन किड्स। बच्चों में अगर इनडाइजेशन है तो उनके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए दीज पॉइंट्स आर वेरी गुड पॉइंट्स। तो इसके ऊपर आप क्या करते थे, सिंस बच्चों में लगा रहे हैं ना, तो मेथी का दाना एक एक बांध दीजिए सारे ज्वाइंट्स के बीच में। कौन सा पॉइंट है? अगर जो सेमेस्टर के स्टूडेंट है जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जानते हैं, तो आप समझ लो पित्त ज्वाइंट पर 0 नंबर पॉइंट। ठीक है ना, क्या बताया? पित्त जॉइंट, पित्त जॉइंट मींस द मिडिल जॉइंट, उसका 0 पॉइंट कौन सा होता है? द सेंटर मोस्ट पॉइंट। तो हर फिंगर का जो सेंटर पॉइंट है, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर इंप्रूविंग डाइजेशन इन किड्स। सब कर सकते हैं इसको, यांग में नहीं लगाना है, सिर्फ यिन में लगाना है, पीछे की साइड नहीं लगाना है, सिर्फ आगे। तो कितने सीड लगेंगे टोटल? 8। नहीं नहीं थंब पे नहीं है ये, ओनली ऑन फिंगर्स, 4 पॉइंट्स ऑन 4 फिंगर्स ऑन वन साइड, टोटल 8। देखिए अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो यूनिलैटरल करिए, अगर ऑप्शन है तो, ऑप्शन अगर है तो दोनों हाथ में लगा दीजिए। प्रॉब्लम होती है तो एक ही में लगाइए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भागते चोर की लंगोटी वाली, हम एक ही साइड लगा लें। ये नेक्स्ट पॉइंट में, विल कम टू दैट पॉइंट इन द नेक्स्ट स्लाइड। फोकस ओनली ऑन X29, द टिप पॉइंट्स आर डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? यस। शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट इज X30, विच यू वर कंफ्यूजिंग विद X29। X30 आर द पॉइंट्स ऑन द टिप ऑफ द फिंगर्स, सारे फिंगर्स के टिप पर है ये। दीज पॉइंट्स आर सेम और हैव सिमिलर इफेक्ट एज जिंगवेल पॉइंट। क्यों? क्योंकि जैसे जिंगवेल पॉइंट इमरजेंसी में यूज होते हैं, उसी तरीके से
शिजवान पॉइंट भी जो है ये हमारे इमरजेंसी में यूज होने वाले पॉइंट। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर आपको लगता है कोई इस टाइप का अटैक आ गया, कोई भी स्ट्रोक हो गया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, एनी टाइम इफ यू फील दैट द सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ हैंड, देन व्हाट टू डू, जस्ट टेक अ नीडल एंड प्रिक ऑल द टिप्स, हाँ, एंड अलाउ अ ड्रॉप ऑफ ब्लड टू कम आउट। बिल्कुल, जैसे डायबिटीज में टेस्टिंग करने के लिए प्रिक करते हैं ना, छोटी सी प्रिक करते हैं, ठीक वैसे ही प्रिक कर देंगे आउट ऑफ ऑल द फाइव फिंगर्स, प्रिक ईच फिंगर, ईच फिंगर। हाँ, दिस इज ऑलमोस्ट 1.1 to 0.2 कुन अवे फ्रॉम द नेल प्लेट। ओके, गिव मी अ मोमेंट, आई विल शो यू हाउ टू डू इट, आई विल शो यू। This is a sterilized needle which we use for diabetes का testing के लिए use करने वाली जो needle है ना, so it is sterilized, because it is sealed. I'll open the seal. So this is a tip. We will first we'll sanitize the area that we want to prick. So first we will sanitize the area. I'll prick only one thing. Still sterilizing all. How will we prick? I said the point is 0.1 to 0.2 kun. It's not one kun or two kun. It is 0.1 to 0.2 kun away from the nail plate. That means if this is nail plate, if this is nail plate, this line is showing the nail plate, end of the nail plate. So from here, almost 0.1 to 0.2 kun would be this point, little bit, 1 to 2 mm away from the nail plate. Whichever finger we want to prick, we will just hold it tight like this. Can you see? I'm holding it tight. First, you can rub it also. Rub it, stimulate it, and hold it tight. Hold the needle in hand. And just prick it. Oh, one drop of blood. That's it. That's it. Chalo, testing pe bhej do. It's clear. Yes, sir. जी बिल्कुल। चलो आपने भी ब्लड। ठीक है, ये कब करना है? अच्छा, ये शौक में नहीं करना है, ये बड़ी मजेदार चीजें करनी है, देखनी है, इसलिए नहीं करना है। It has to be done. ब्लड प्रेशर नॉर्मल इसलिए हो जाता है, मैं उसका रीजन भी दे देती हूँ आपको। जब भी इमरजेंसी आती है तब वो एनी इमरजेंसी इज लाइक एनी तूफान, है ना? तूफान कैसे आता है? अचानक आता है, जोर से आता है। तो जब आप कोई भी टर्मिनल पॉइंट को प्रिक करते हैं तब वहां पर आपने एक होल क्रिएट कर दिया, एक दरवाजा खोल दिया, वहां से जोर से हवा आ रही है सामने से, और ये दरवाजा अगर मेरा बंद है तो यहाँ की चीजें टूटने का डर है या नहीं है? अगर मैं इस दरवाजे को खोल दूं तो क्या होगा? जो हवा यहाँ से आई दैट विल पास आउट। सो सेम थिंग वी आर डूइंग हियर, वी आर प्रिकिंग ऑल द टिप्स बिकॉज़ टिप हैज गॉट द एक्सट्रीम ऑफ एनर्जी नाउ बिकॉज़ द ब्लड इज फ्लोइंग एंड इट इज डेड एंड, सो आई एम ओपनिंग द डेड एंड्स। इसीलिए आपने बोला कि ब्लड प्रेशर भी कम करता है, ब्लड प्रेशर इसीलिए कम करता है क्योंकि ब्लड प्रेशर का मतलब ही है लेमैन की लैंग्वेज में ब्लड का प्रेशर। तो ब्लड का प्रेशर अगर एक्सट्रीम हो गया, 170-180 शूट अप कर गया है, लग रहा है फट जाएगा सर एकदम, कभी भी हेमरेज हो सकता है, देन व्हाट टू डू? प्रिक द फिंगर्स। जब जैसा इफ नॉट अलाउ देन डोंट डू, विदाउट परमिशन ऑफ द पेशेंट वी नेवर डू। सीड लगा सकते हैं बट प्रिकिंग इज गिव्स यू इंस्टेंट रिजल्ट इफ इट इज इमरजेंसी। जब पेशेंट इमरजेंसी में होता है तो वो हाँ या ना बोलने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। अटैक आ रहा है वो क्या हाँ या ना बोलेगा? आपको पता है इट कैन सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। सेव पैरालिसिस का अटैक आ रहा है, पैरालिसिस का अटैक से तो बेटर ही है कि चार खाली प्रिक ही तो हुए, उससे ज्यादा कट तो आपका चाकू से हो जाता होगा। होता होगा कि नहीं होगा? किचन में हुआ होगा ना, कितने प्रिक होंगे वो, अगर उस कट को मेजर करो तो कितने डॉट्स हैं उसके अंदर में? ये तो सिर्फ चार डॉट है,
Is it painful? Is it okay? No, it's fine. Absolutely fine. I'm just thinking. Chanchal ji, fibers there. He was. Chanchal ji, can we use the same needle to all the fingers? All the fingers of the same patient, same time. Same needle can be used. Same needle can be used, same time. अगर एक घंटे बाद use करनी है, then throw away and take another needle. Okay. And definitely different needle for different people. Okay. Can we prick toes also? Yes, yes. We'll come to that. We'll come to that. Okay, okay. Very important for every one of us. ये हमें पता होने चाहिए कि ये इमरजेंसी के पॉइंट्स हैं. सो दिस एक्स्ट्रा पॉइंट इज आल्सो इमरजेंसी पॉइंट. दैट इज व्हाई इट इज. यस, अ फ्यू नीडल्स यू शुड हैव, लाइक यू हैव बैंडेज एट होम, यू हैव डिटॉल एट होम, सो कीप अ फ्यू नीडल्स एट होम. लो ब्लड प्रेशर नॉट, लो ब्लड प्रेशर में आपको नहीं करना है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर इज ऑलरेडी लो एंड यू आर ओपनिंग द डोर इफ यू डोंट हैव एनीथिंग. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वॉज X32. X32 is very important point, because this is a point which is, yes, Supriti ji, this point is very useful in high blood pressure. You are talking about X30. Now we have moved on to X32. X32 is a point on the knee. घुटने के ऊपर है ये. कहाँ पर है? जहाँ पर X35 है. जहाँ आप X35 का location देख लेना, acupuncture index उसमें. ठीक है, ऐप में X30, I'll show you the location. X, जहां पर स्टमक 35 का लोकेशन है, स्टमक 35 के पैरेलल ऑन द मीडियल साइड यू हैव X32. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी यूज वेरी फ्रीक्वेंटली फॉर नी पेन के पेशेंट्स. घुटने के दर्द के जो पेशेंट आते हैं ना, खासकर वात, देखिए लिखा हुआ है नी जॉइंट डिसऑर्डर्स ट्रीट्स अ वात पेन इन द नी. वात के कारण होने वाले घुटने के दर्द के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है. एंड लोकेट करना भी बहुत इजी है, बिकॉज दिस इज अ पॉइंट विच इज इन द आई ऑफ द नी, जिसको घुटने की आंखें बोलते हैं ना, घुटने में जो आईज होती हैं. सो उसमें एक पॉइंट है S335, दूसरा पॉइंट है X32. कहां पर लोकेट करेंगे? सो आप देखो दिस पॉइंट, इफ दिस इज पोजिशन ऑफ द नी इज एट राइट एंगल, नी इज एट राइट एंगल. ठीक है, सो अगर नी राइट एंगल पर है और अपने फिंगर्स को आप इस तरीके से मूव करोगे डाउनवर्ड, देन दीज आर द टू आईज, ये आंखें घुटने की. Your lateral side is the side where stomach meridian flows. It does not flow from the medial side. It flows from the lateral side. So this is the area from which stomach meridian is flowing. ठीक है? So ये जो एक आँख है, this is nothing but stomach 35. इसकी जो दूसरी आँख पड़ती है, this is X point. This is your X32. So, एक मटर का दाना अगर यहाँ रखेंगे, एक मटर का दाना यहाँ रखेंगे, सो दिस इज कवरिंग बोथ द आईज ऑफ द नी. सो दिस इज ट्रीटिंग द वात प्रॉब्लम्स ऑफ नी, नी पेन, नी डिसऑर्डर्स. ठीक है, अर्थराइटिस आल्सो, अर्थराइटिक पेन आल्सो. देयर आर अदर पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू चूज अलोंग विद दिस, बट दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दिस इज योर X32. थैंक यू. Yes, please. Ma'am, regarding X30, I want to ask just one thing. As it is said, this is an emergency point. And अगर किसी को कोई unconscious हो रहा है या कोई भी shock वाली condition हो रही है और BP उसका low है, but वो हमें उस वक्त कैसे पता चलेगा कि BP low है? Because low BP में हमें ये नहीं करना है. हाँ, सो आप थोड़ी सी पता करोगे उसके हाव भाव देखकर, उसके एक्शन देखकर, उसकी थोड़ी सी पास्ट को जान के, अगर बीपी फॉल हुआ है तब हम इसको अवॉइड करते हैं. यस, एब्सोल्युटली अंबिका जी ने ठीक बोला है. गवर्निंग वेसल 26 एंड K1, बोथ द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन हु फॉल्स अनकॉन्शियस. यस, लेकिन अगर आप श्योर हो कि ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो रहा है, तब ये बहुत इजीली आप कर सकते हो. फिट्स आ रहे हैं बहुत इजीली, आप इसको, सीजर्स हो रहे हैं, एपिलेप्टिक अटैक हो रहा है, कोई स्ट्रोक हो रहा है,
तो आप इन इस पॉइंट्स को बहुत इजीली यूज कर सकते हो क्योंकि ये वात को शरीर से निकालते हैं, लेकिन ऑलरेडी वात अगर कम है देन दीस शुड बी अवॉइडेड. ओके ठीक है, थैंक यू. कम टू नेक्स्ट पॉइंट, इट इज X33. X33 इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वाई इज दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? बिकॉज दिस इज कॉल्ड द अलार्म पॉइंट फॉर अपेंडिक्स. Where is this alarm point of appendix? This alarm, अभी ST35 का लोकेशन देखा ना सबने, घुटने में जहां पर आंख आती है, that is your ST35. ST35 से अगर हम 5 कुन नीचे आ जाए ना, ST35 से 5 कुन नीचे आना है, तो 5 कुन नीचे आने पर हमें मिलेगा X33. How to locate it? मधुलिका जी इज अ वंडरफुल मॉडल फॉर अस. फोर फिंगर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी कुन? थ्री. उन्हीं का लेंगे ना. हम्म. सो दिस इज 3 कुन. 3 यस. देन वन मोर कुन. 2.5. देन वन मोर. यस. सो दिस इज योर X33, and it is lateral, almost 1 kun lateral to the tibial spine. So this is tibial spine. इसके ऊपर आप देखो, ये देखो हड्डी दिख रही है, ये हड्डी दिख रही है यहाँ पे. So इससे 1 kun, इनका 1 kun देख लो आप on an average. So this is the line. Okay. So this is the line. Where you have stomach ki meridian also, and just below the stomach ka 36 number point, almost 2 kun below the stomach 36, you have X33. Agar isko bolte appendix ka alarm point. Kyon bolte appendix ka alarm point? Kisi ko appendix ka dard aata hai, humko samajh mein nahi aata ki dard appendix ka hai ya pet mein koi takleef hai ya kya ho raha hai. Aap X33 ko pressure dijiye. वहां अगर दर्द मिलेगा, दैट मीन्स इट इज टेलिंग यू दैट इट इज बिकॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अपेंडिक्स का अलार्म पॉइंट. सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कम टू द लास्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट इज X36. जैसे हमने हाथ में पॉइंट देखे थे ना, Paxi point. These points are called buffing. Buffing for toes. पैर की उंगलियों में दर्द है, ऐंठन है, numbness है, तकलीफ है, circulation कम है, arthritic pain है, तो उसके लिए हम क्या choose करेंगे? X36. So हाथ की उंगलियों के लिए X28, पैर की उंगलियों के लिए X36. Does this point help when you get numbness because of that? Any type of numbness, any type of stimulation which is lacking in the toes. यहाँ पर stimulation, यहाँ पर कोई mention नहीं किया हुआ कि diabetes के कारण है, diabetes के कारण नहीं. Toes में आने वाली किसी भी problem के लिए you can choose buffing. See, if the root cause is diabetes, definitely you will have to choose diabetes to be treated. Root causes diabetes in that case. But you want to treat the give some symptomatic relief to the toes also. How will you treat? Easy. ट्रीटमेंट कैसे देंगे? इधर यू पंक्चर द पॉइंट और यू अप्लाई ड्राई पी सीड ऑन ईच ऑफ द पॉइंट. ठीक है, मूंग का दाना भी यूज कर सकते, मूंग का दाना कर सकते हैं, बट बहुत छोटा होता है. जिसको तकलीफ होती है ना, उसके लिए मूंग का दाना वहां पर हो जाएगा. एरिया काफी बड़ा है ना, तो थोड़ा सा बड़ा सीड चूज करेंगे. दिस इज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द सीड वी आर चूजिंग. नहीं नहीं, इन्फेक्शन के ऊपर ज्यादा काम नहीं करेगा. एकदम एकदम बिल्कुल करेगा, बट उसके लिए लिवर 3 भी आप दोगे तो बहुत अच्छा. दिस इज स्पेशली फॉर टोज. दिस वॉज अबाउट ऑल द एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए, जिनकी लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने बहुत बार मिस किए हैं, बहुत बार हमने समझे ही नहीं है, जिनका यूज भी नहीं देखा है. इन पॉइंट्स को आज हमने देखा है.